हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। आशा भंडारी रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मछली का झोर बना के दिखलाऊंगी दोस्तों। यह रोहू मछली है, तो चलें हम दोस्तों इसे बनाने के लिए। ये रोहू मछली है, इस तरह से हम पीस में कटवा लिए हैं। ये रोहू मछली 1 किलो है, हम इसे अब धो लेते हैं। मछली हम 3-4 पानी से अच्छे से धो लिए हैं 3-4 बार। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। हम आधा चम्मच नमक इसमें डाल रहे हैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सबको हम अच्छे से सान देंगे। मछली बनाने के लिए हम गैस ऑन कर रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो रहा है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। हम 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे मछली फ्राई करने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम हिला देंगे इस तरह से, सब तरफ तेल फैल जाएगा। अब हम इसमें एक एक करके मछली को डालेंगे। जितना तेल में मछली जा पाएगा हम उतना ही मछली डाल के फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। अब हम इसे पलट के दूसरे तरफ तलेंगे। इस तरफ से हम पलट देंगे। हम मछली को अच्छे से उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते 10 मिनट हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी करके सारा मछली तल लेंगे। तुरंत हम इसको नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा भी नहीं हिलाना चाहिए, नहीं तो नीचे से ये ठीक से नहीं पका हुआ रहेगा तो अच्छे से नहीं उचड़ेगा। इसीलिए हम इसे पकने देंगे अच्छे से, तब हम इसे पलटेंगे, चाहे उसके स्थान से हिलाएंगे। तो इस तरह से अभी फ्राई हो रहा है मछली। अब मछली को हम इस तरह से पलट देंगे। एक तरफ तला गया है, उलट पलट करके हम सेकेंगे, तलेंगे। ये अच्छे से तला रहा है। मछली अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मसाला रेडी करेंगे। तो मसाले में हम ले लिए हैं, ये 4 प्याज है, 3 टमाटर है, 5 हरी मिर्च है, ये लहसुन है, 2 गड्डी लहसुन है जिसे मैं छील ली हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे छोटा छोटा काट लिए हैं। अब हम सबसे पहले अदरक का टुकड़ा डाल रहे हैं, इसे हम पीस लेते हैं, फिर हम अन्य जो भी मसाला है उसे हम पीसेंगे। हम ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रहे हैं, 3 ही मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने तीखा जितना खाना हो आप उतना मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें। ये 2 बड़ा चम्मच सरसों है जिसे हम इसमें डालेंगे। ये 1 चम्मच जीरा और गोलमिर्च है, 8-10 दाना गोलमिर्च है, इसे गोलमिर्च डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। ये धनिया है, इसे हम 2 चम्मच लिए हैं। 8-10 सूखा मिर्च है, इसे हम डालेंगे और हम इसका पेस्ट बनाएंगे।
हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे पीस लेंगे। मसाला फाइनली हम अच्छे से पीस चुके हैं। इसमें 2 चम्मच हम और पानी डाले थे बाद में। इस तरह से पीस के पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम मछली देखेंगे। मछली हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम मछली का मुंडी फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल ले रहे हैं। आँच हम धीमा कर देंगे। हम एक अलग कटोरी में इसे निकाल लिए हैं और सरसों का तेल डालेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं हम, उसी कढ़ाई में डाले हैं जिसमें मछली फ्राई किए थे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें सूखा मिर्च डालेंगे। 3 सूखा मिर्च है जिसे हम तोड़ लिए हैं। इसमें हम 2 चम्मच पचफोरन डाल रहे हैं। आँच हम धीमा कर दिए हैं। हम प्याज काट लेते हैं। 3 प्याज कटा हुआ डालेंगे। दो तीन हम तेज़पत्ता डाल देंगे तोड़ करके इस तरह से। हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं। और इसमें हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। प्याज टमाटर के साथ हम इसे अच्छे से गलने तक भूनेंगे। हम आँच को थोड़ा सा मीडियम टॉप पर रखेंगे ताकि टमाटर धीमे धीमे आँच में गलेगा अच्छे से। टमाटर अच्छे से गल गया। अब हम इसमें पिसा हुआ सारा मसाला डालेंगे। अच्छे से हम चला के इसे भूनेंगे। जार का सारा पानी हम धो के इसमें डाल देंगे। अच्छा कलर आने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच छोटा चम्मच से। एक छोटा चम्मच हम मिक्स मसाला डालेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा इसीलिए। जब तक से तेल छोड़ना न लगे तब तक से हम भूनेंगे मसाला को। अभी हम कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और मसाला को सब तरफ से कढ़ाई से छुड़ा लेंगे। मसाला जो इधर उधर चिपक गया है उसे। 10 मिनट हो गया मसाला भूनते हुए, ये अपना तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितना आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं आप उतना पानी का इस्तेमाल करें। हम मसाला को बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन लगा करके ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। मसाला पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। हम इसमें एक एक करके मछली डाल देंगे। हम 10 मिनट तक इस तरह से मछली को पकाएंगे। ढक्कन ढक दिए हम। 10 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से मछली बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। इसको हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। मछली बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे।
बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों, जरूर आप बनाइएगा इस तरह से मछली। इस तरह से तरी वाली मछली आप चावल या रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसे ज़रूर ही बना करके आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए हमारा यह मछली का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।